here. Now I am on top. अब देख रहे हो ये धौलाधार रेंज है जो नीचे से दिखती है. अब देखो कितने पास में दिख रही है. ऑलमोस्ट हम उसके बगल से पहुंच गए. अब उधर नहीं जा सकते बट ऑसम व्यू है. ऑसम मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है. अभी देखते हैं हम रात को इधर ही स्टे करने वाले हैं और देखते हैं फिर कैसा लगता है. ये रेंज देखो आप कितना अच्छा लग रहा है. ऑसम व्यू है ये. ये बादल देखो इधर. मस्त. हम बहुत थक गए. अब हम अपना यहाँ पे जो कैफ़े है जो जहाँ हम रुकने वाले हैं उधर जाने का देख रहे हैं कहाँ पे है. आई थिंक ये सामने ही है तो हम उधर ही रुकने वाले हैं आज. तो हम अभी रुके हुए हैं त्रियुंड में और बहुत अच्छा नज़ारा है. आप देख पा रहे होगे पीछे का. ये देखो अभी शायद है 3:30 के अराउंड हुआ है और धूप इधर सामने पहाड़ पे है बट इधर धूप नहीं आ रही है क्योंकि बादल बहुत हैं और वो इतने हैं कि हम लोगों से टकरा टकरा के जा रहे हैं. और देखो पीछे का व्यू कितना पहाड़ों पर. मैं इधर पत्थर पर बैठा हूँ देख सकते हो आप. और इधर ये रिजॉर्ट है. यहाँ ज़्यादा रिजॉर्ट नहीं है सिर्फ 2 रिजॉर्ट्स हैं. तो हमारा अरेंजमेंट हो गया है. हम रात को टेंट में रुकने वाले हैं तो और अच्छा है इधर सही लग रहा है. और इधर देखो मैं आप बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड. या ये देखो ऑसम. ये जो है ये मैं यहाँ पे बहुत कम से कम 10 से 12 दिन हो गए रुके हुए मैक्लोडन में. मैं सोच रहा था कब मैं इस पहाड़ी के नज़दीक जाऊँ. ये एक्चुअली पहाड़ी नहीं है ये धौलाधार रेंज है जो कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है. बट देखो आप बहुत ऊंची है. अभी यहाँ से अगर इस रेंज यहाँ ऊपर कोई लाइन है तो वहाँ पर जाने के लिए भी यहाँ से 2 घंटे लगते हैं. तो आज तो इनफ हो गया. आज कुछ नहीं हो सकता है यहाँ से बट कल देखते हैं अगर प्लान बना तो हम जाएंगे. बट आप देखो या ऑसम व्यू. ऑसम मतलब इससे पहले मैंने कभी ऐसा व्यू नहीं देखा. नेचर होना इट्स अ डिफरेंट थिंग बट ये तो जो सामने का नज़ारा है ना वो बहुत मस्त है. इस पहाड़ी पे अभी धूप आ रही है बट ये वैरायटी रहती है बहुत ज़्यादा शाइनिंग रहती है इस पे क्योंकि इस पे देख रहे हो आप कोई ग्रीनरी नहीं है. इधर देखो आप नीचे ये नीचे बहुत गहरा है. यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं. कुछ लोग यहाँ पे साधना भी कर रहे हैं और मोस्टली लोग यहाँ ऊपर से अभी कुछ लोग आ रहे थे स्नो लाइन से तो वो वापस जा रहे हैं. अब यहाँ रुकने वाले लोग बहुत कम हैं. ज़्यादा लोग नहीं रुको. पहाड़ी पे अभी हम जा रहे हैं फिर हम आपको वहाँ पे दिखाएंगे व्यू क्या है. सामने वाली पहाड़ी पे जाने वाले हैं हम थोड़ी देर से. वो देखो नीचे कहाँ खड़ी है. ये देखो ये क्या ऑसम व्यू है. आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए. मैं कहूँगा त्रियुंड आना है आपको एक बार तो ज़रूर सबको आना चाहिए. ऑसम एक्सपीरियंस है यहाँ का. अगर आपको नीचे देखना है रियल में तो आपको इधर आना चाहिए. यहाँ ठंडा हो रहा है मस्त लग रहा है. श्रेया से हाय. हम थोड़ा थक भी गए. अब घूमने का मन नहीं हो रहा लेकिन अभी थोड़ी धूप आ गई है तो हम अच्छे से कैप्चर कर पा रहे हैं. अगर अदरवाइज तो यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है तो हमारे कैमरों में जो सीन्स हैं ये कैप्चर ही नहीं हो रहे हैं. अभी धूप आ गई है तो ठीक है. ओके अभी देखो यहाँ पे सारे बादल चढ़ चुके हैं. मस्त धूप भी निकली है और मौसम थोड़ा ठंडा है. मतलब गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही. हमने थोड़ा सा हमने स्वेटर भी डाल रखा है बट गर्मी नहीं. लोग टी शर्ट में भी है इंजॉय करने बट हम तो स्वेटर डाल रखा है. और आप देख सकते हो धूप इस रेंज पे पड़ रही है कितनी मस्त लग रही है. मैं बयान नहीं कर सकता मतलब आपको कि मैं देख के कितना खुश हो रहा हूँ. उस पर मन कर रहा है कि
उधर जो स्लो लाइन है उधर भी जाऊं, बट देखते हैं कल थोड़ा थका। आधा घंटे पहले ना यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था, जब हम पीछे वो देख रहे हो सामने रिजॉर्ट पे बैठा था ना, तो यहाँ का कुछ नहीं दिख रहा था, सारा धुंध हो रखे थे। यहाँ पे टेंपल भी है छोटे छोटे, पीछे हनुमान जी का एक टेंपल है, ये भी शंकर जी का है, देख सकते हो आप। जय शिव। मैं आपको पास से जाके दिखाता हूँ थोड़ा टेंपल, और टेंपल से व्यू भी दिखाता हूँ। ये है टेंपल। जय ओ प्रभु। मस्त लग रहा है टेंपल। और ये पीछे देखो हाँ यहाँ से देखो वो येलो येलो दिख रहा है ना, वो हनुमान जी का मूर्ति है। शाम हो चुकी है और ये देख रहे हो आप सनसेट हो रहा है, क्या मस्त व्यू है। नीचे देखो बादल हैं, ऊपर से सनसेट देखो यहाँ का ऑसम है, देख रहे हो आप गजब का सनसेट हो रहा है इधर। ये त्रियुंड में हूँ मैं और यहाँ सनसेट देख सकते हो आप। और ये सामने जो हमारे हमने बताया था ना आपको ये धौला रेंज है, उस सनसेट की जो एक्चुअली रोशनी पड़ती है वो देख सकते हो आप, क्या मस्त ऑसम व्यू लग रहा है ना। यो हेलो, अभी तो रात हो गई है और हम लोग टेंट के अंदर रुके हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा ठंड लग रही है लेकिन हाँ हमारे पास ब्लैंकेट्स हैं तो मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप, अभी खाना बन रहा है, बढ़िया टाइम हो गया। सी वी आर हियर, फुल एंजॉय। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हम त्रियुंड पे हैं, अब इट्स टाइम टू गो बैक। तो हम अभी नीचे उतरने वाले हैं, इट्स अराउंड 2 hours टू गो बैक आई थिंक, कम से कम। और हमने रात को यहीं पे स्टे किया हुआ था टेंट में, बहुत मजा आया हम लोगों को। इट्स टू कोल्ड, या कोल्ड। तो अब हम जा रहे हैं, हम आपको बस दिखाना चाहते हैं अभी मॉर्निंग का यहाँ का नज़ारा कैसा है। You can see and enjoy.